हेलो मेंबर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम शेयर करेंगे आपके साथ करंट मार्केट अपडेट, एनालाइज करेंगे बीटसी को, बीटसी का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, और रिसेंटली जो एक मार्केट में डंप आया बीटसी में और बाकी आर्ट्स क्वीन में, तो उसका रीजन क्या था, आपको ना क्या करना चाहिए। यहाँ पर काफी लोग के मैसेजेस भी हमें रिसीव हो रहे थे जो ये पूछ रहे थे हम आर्ट्स क्वीन में भी एंट्री लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यहाँ पर नेक्स्ट मार्केट का सिनेरियो क्या है। तो लास्ट डंप आया मार्केट में बीटसी का, तो वहीं पर जो है 420 मिलियन डॉलर की यहाँ पर लिक्विडेशन हुई है लॉन्ग ट्रेडर्स की, जिन लोगों ने यहाँ पर लेट लॉन्ग ओपन कर रखे थे, तो बीटसी ने उनको यहाँ पर लिक्विडेट किया है। और सिर्फ 24 आवर्स में यहाँ पर 420 मिलियन डॉलर्स की यहाँ पर लिक्विडेशन हुई है, जिन लोगों ने सिर्फ यहाँ पर लॉन्ग कर रखा था। लास्ट 24 आवर्स में जो है टोटल जो है बीटसी की प्राइस में 36 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है, और इथेरियम की है जो 42 मिलियन तक की लिक्विडेशन हुई है। ओवरऑल जो है 71 मिलियन जो है वो लॉन्ग की लिक्विडेशन हुई है, और 64 यहाँ पर शॉर्ट की लिक्विडेशन हुई है। मेरा जो सिंपल प्लान है वो यही है, जब तक इस बॉक्स में जो बीटसी की प्राइस वो ट्रेड करेगी, यहाँ पर मार्केट में थोड़ा साइडवे रहूंगा मैं, किसी आर्ट स्क्रीन में जहां पर मुझे थोड़ी स्कैल्प की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उसमें ट्रेड लेना ज्यादा प्योर समझूंगा, बजाय मैं आकर बीटसी को इस जोन में ट्रेड करूं। मैं इस जोन में बीटसी को ट्रेड नहीं करूंगा। मैं कब ट्रेड करूंगा बीटसी को, जो लॉन्ग ट्रिगर है मेरा वो यहां पर है 66.7K डॉलर। अगर यहां से मुझे ब्रेकआउट मिलता है और यहां पर क्लोजिंग होती है, तो मैं अपनी यहां पर एक लॉन्ग की पोजीशंस बनाऊंगा, और फर्स्ट टारगेट जो है वो मेरा अराउंड 70,000 होगा, और सेकंड वन 71 या 2 तक मैं अपनी सेकंड टारगेट्स को वहां पर क्लोज करूंगा। जो शॉर्ट की पोजीशन है उसका जो शॉर्ट ट्रिगर है वो 64,000 बिलो, अगर यहां पर जो मार्केट है वो क्लोजिंग करती है इस लाइन से नीचे, तो मैं अपने यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशंस ओपन करूंगा यहाँ पर, और मेरा जो टारगेट्स होगा वो फर्स्ट वन 62,500 डॉलर, और सेकंड वन जो है वो 61,000 और 60,000 डॉलर यहाँ पर मेरे शॉर्ट पोजीशंस के टारगेट होंगे, और इस तरह मैं यहाँ पर शॉर्ट या लॉन्ग को प्ले करूंगा। लेकिन ये जो बॉक्स नजर आ रहा है इसमें मैं ट्रेड नहीं करूंगा बीटसी को, यहाँ पर याद रहे मैं सिर्फ बीटसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बाकी आर्ट्स क्वीन की, तो मैं आर्ट्स क्वीन को ट्रेड करूंगा, लेकिन उनको मैं कैसे ट्रेड करूंगा, सिर्फ मैं उनको ट्रेड करूंगा स्कैल्पिंग। मैं ये नहीं कि वहां पर मैं उनको लेकर बैठ जाऊंगा कि मैंने इनको 1x या 2x या 5x तक जाकर सेल करना है, ऐसा नहीं, मैं सिर्फ उनको वहां पर स्कैल्प की ट्रेड करूंगा। जब तक यहाँ पर मुझे एक क्लियर कन्फर्मेशन नहीं मिलती मार्केट में बीटसी की, तो मैं यहाँ पर सिर्फ स्कैल्प करूंगा। और अभी आप यहाँ पर देखें तो अवर आज जो मार्केट चल रही है वो सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए चल रही है। तो लास्ट 24 आवर्स में जो है एफईटी जो है उसने 24% तक का मूव लिया, ईएनएस ने भी काफी स्ट्रॉन्ग रहा है इस डिप में भी, और एलडीओ भी काफी अच्छा रहा है। अगर आपको एफईटी जो है ये मिलता है अराउंड $1.1110 के अराउंड, अगर दोबारा से ये मिलता है आप इसको बाई कर सकते हो, ये अच्छा कॉइन है स्पॉट के लिए अगर आप इसको बाई करना चाहो। और इसके अलावा हम 7 डेज की यहाँ पर अपडेट लेते हैं, इंच जो है वो 34% तक डंप हुआ है लास्ट 7 डेज में, और इसी तरह स्टार नेट का आप बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट 34% तक ड्रॉप हुआ है, CIZ भी 34%, ORD भी 30% तक ड्रॉप हुआ है, और इसी तरह आप यहाँ पर मेम्स टोकन्स की बात करें, वार्म होल की बात करें तो ये भी 30%, तो इवन यहाँ पर अगर आप कंपेयर को 30% प्लस यहाँ पर डंप हुए हैं। और यहीं पर अगर बीटसी की हम बात करते हैं तो बीटसी मैक्सिमम यहाँ पर जो लास्ट वीक में ड्रॉप हुआ है वो 5% तक ड्रॉप हुआ है। अब आप 5 और 35 या 40% को कंपेयर करें तो कितना ज्यादा आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, कि जो रीजन था वो भी आपको मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में बताया था कि जो आर्ट्स क्वीन है वो कितना ज्यादा डंप क्यों कर रहे हैं। आप बीटसी डोमिनेंस इसने यहाँ पर काफी अच्छा पंप लिया है, और जैसे इसने ऊपर के लिए पंप लिया है इसी स्पीड से जो आर्ट्स क्वीन है उन्होंने नीचे की तरफ डंप लिया है, और इतना ज्यादा जो प्राइस ऊपर गई बीटसी डोमिनेंस की, इससे डबल आर्ट्स क्वीन जो है मेम्स टोकन्स उनकी प्राइस डाउन गई है। अगर आप लास्ट वीडियो जो हमने अपने चैनल्स पर अपलोड करी थी बीटसी डोमिनेंस को लेकर, अगर आपने उसको देखोगा तो आपने इस डिप में भी अच्छा पैसा बनाया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देखें और उस पर वर्क करें। आप बीटसी डोमिनेंस को समझकर, बीटसी डोमिनेंस स्ट्रैटेजी को समझकर आप मार्केट से अच्छा पैसा बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ आर्ट स्क्रीन बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर बाइंग करना चाहते हो या स्कैल्प करना चाहते हो, तो उसमें विफ है, आईओ है, और इंच है, और इसी तरह नॉट है, टीआई है। तो आप इसकी जो मेंशन प्राइस की हुई है, हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज किया था, तो जो ये मेंशन प्राइस आपको नजर आ रही है आप वहां पर जाकर इसके चार्ट को ओपन करें, और अगर आपको इन मेंशन प्राइस पर मिलती है तो आपने पार्ट वाइज ही बाई करना है। 2 पार्ट वाइज हमने एंट्रीज दी हुई हैं, तो आपने इस एंट्रीज का मतलब ये होता है कि आपने 50% अगर आपने फंड लगाना है, 100% आपने $100 लगाना है, तो आप $50 पहली एंट्री पर लगाएंगे और $50 आप सेकंड एंट्री पर लगाएंगे। ऐसा क्या होता है कि आपकी जो एवरेज प्राइस होती है
वो दोनों प्राइस जो आपको गिवन्स एंट्रीज होती हैं उनके दरमियान में आ जाती हैं। तो वहां पर अगर आपको आर्ट्स क्वीन जो है उनमें आप अगर एंट्री लेना चाहते हो, जो मेंशन आर्ट्स क्वीन है आप उनमें एंट्री ले सकते हो, लेकिन आपको वहां पर अपना जो रिस्क है उसको मैनेज करना होगा। आप जब एंट्री लेने चाहो उससे पहले आपने अपनी कुछ रिसर्च करनी है और आपने अपना जो रिस्क है वो खुद से मैनेज करना है। हमें आपके पोर्टफोलियो का नहीं पता, हमें नहीं पता आपके पास कितना पेशेंस है, आप कितना ज्यादा पेशेंस रख सकते हो, होल्डिंग पावर क्या है। किसी ट्रेड में विंटर होने से पहले आपको अपना रिस्क खुद से मैनेज करना है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पर थोड़ा बीटसी को देखें तो ये जो चार्ट है हमने आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया था और वहां पर आपको क्लियर बताया था कि अगर यहाँ पर आपको क्लोजिंग मिलती है $65,800 से नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो वहां से हम शॉर्ट करेंगे। और आप यहाँ पर देखें इधर से क्लोजिंग हुई और उसके बाद यहाँ पर देखें 3% तक इसकी प्राइस में ड्रॉप आया। अब सिंपल सा ये है कि ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही है $66,000 प्राइस, इसको यहाँ से ब्रेक करें अप साइड्स तो हम क्लोजिंग करें तो हम यहाँ पर ऊपर लॉन्ग की पोजीशंस को क्रिएट यहाँ पर कर सकते। अदरवाइज अगर इस बॉक्स में रहती है जैसे कि प्रीवियस चार्ट में मैंने मेंशन किया है, मैं तो वहाँ पर बीटसी को ट्रेड नहीं करूँगा। बाकी जो आर्ट्स क्वीन है अगर बीटसी इधर रहता है और बीटसी डोमिनेंस जो है वो थोड़ा डिक्रीज होती है तो मैं कुछ आर्ट्स क्वीन जो आपको मेंशन की है या उसके अलावा जिसमें मुझे स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी या जैसे कि अभी आपके साथ मैंने शेयर किया है कि यहाँ पर जो 24 आवर्स में आप देखें ENS भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है इस डिप में भी और FET भी अच्छा रहा है और AGI है, तो मैं इनको ट्रेड करना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूंगा। जब से बीटसी हालविंग हुई और बीटसी ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है $73,000 लास्ट 3 मंथ से बीटसी एक एक्युमुलेशन जोन में। तो आप थोड़ा बीटसी के चार्ट की हिस्ट्री को देखें, फर्स्ट आपको मैं यहाँ पर दिखा देता इधर एक्युमुलेशन जोन चला 70 डेज तक और जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट मिला उसके बाद तो 62% तक बीटसी की प्राइस में पंप आया। उसके बाद अगेन यहाँ पर एक एक्युमुलेशन जोन चलता है 73 डेज और उसके बाद फिर पंप आता है 84% तक। देन अगेन यहाँ पर एक एक्युमुलेशन जोन चलता है जो कि अराउंड होता है 75 डेज तक और उसके बाद अगेन एक पंप आता है 71%। और इस एक्युमुलेशन जोन को हम यहाँ पर अगर कंपेयर करते हैं तो इसको 120 डेज हो गए हैं इस एक्युमुलेट जोन में ट्रेड होते हुए। तो यहाँ पर अगर हम ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पर तो अराउंड 1 लाख तक आप टारगेट्स रख सकते हो बीटसी के आने वाले वक्त में अगर इस एक्युमुलेशन जोन को जो है बीटसी अपसाइड ब्रेकआउट कर जाता है उसके बाद। लेकिन अगर यहाँ पर हमें डाउन साइड ब्रेकआउट मिलता है तो उसके बाद भी हमारे पास ये वाला जो जोन है 50 वाला जोन ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर। लेकिन आई होप सो कि यहाँ पर हमें एक अपसाइड ब्रेकआउट मिलेगा इधर और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 85-90 ये टारगेट्स हम इन फ्यूचर रख सकते हैं बीटसी को लेकर। आज की ये कुछ अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। मजीद अब हम एक्टिव होते हैं मार्केट में तो डेली बेसिस पर आपके साथ हम मार्केट अपडेट भी शेयर करेंगे और आपके साथ हम कुछ सिग्नल्स भी शेयर करेंगे डेली के बेसिस पर। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।